इंदौर में एक सार्वजनिक मंच से संबोधित करते हुए भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हत्या और दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उनके साथ उनके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बेहतर इंसान बनाने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया है। भाजपा विधायक ने कहा कि दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के माता पिता को भी सजा मिलना चाहिए। इंदौर में एक सार्वजनिक मंच से संबोधित करते हुए भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि हत्या और दुष्कर्म के आरोपियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, उनके माता पिता को भी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बेहतर इंसान बनाने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। दरअसल विधायक एक सम्मान समारोह में शामिल हुए थे, कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर मंच से संबोधित करते हुए विधायक ने एक विवादित बयान दिया। लोगों को मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बच्चों द्वारा बेहतर कार्य करने और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए उनके माता पिता को श्रेय जाता है, उसी प्रकार जो लोग हत्या दुष्कर्म करते हैं और अपराध में शामिल होते हैं, उनकी सजा भी उनके माता पिता को मिलना चाहिए। सुनिए क्या कहा आकाश विजयवर्गीय ने। नहीं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि माता पिता की जिम्मेदारी होती है उनके बच्चे चरित्रवान बने, संस्कारी बने, अच्छे बने, देश प्रेमी बने, समाज में अच्छा काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बस जन्म दे के छोड़ दिया। उन्हें तैयार करना भी कहीं ना कहीं, अगर हमने जन्म दिया है तो उन्हें तैयार करना भी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसका श्रेय माता पिता को जाना ही चाहिए, और इसी के विपरीत यदि कोई गलत भी करता है बच्चा तो उसके लिए भी माता पिता दोषी होते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और मैं तो आपको सुझाव देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना करते हैं, तो अगली बार ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को भी सम्मानित करना। अच्छे माता पिता, अगर माता पिता ध्यान नहीं देते तो बच्चे सही नहीं निकल पाते। पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान, जितने भी महान लोग हैं उन्हें अच्छा बनाने में उनके माता पिता ने अपने जीवन को खपाया है, तब जाकर के वो बच्चे आगे बढ़ पाए। और इसी प्रकार जो बच्चे गलत दिशा में रहते हैं, जैसे मेरी तो सोच ऐसी रहती है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं तो लॉ ही बना दूंगा। जैसे कोई बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसके उसको तो सजा मिलनी चाहिए, एक दो साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए। मर्डर करता है उसको तो मिलना ही चाहिए एक दो साल तीन साल की उसके माता, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को बनाने में माता पिता का योगदान रहता है, उसी प्रकार अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो ही बच्चे इतनी गलत दिशा में जाते हैं। और सिर्फ हम पैदा करके छोड़ दें ये अच्छी बात नहीं, अगर आपने उसे जन्म दिया है तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, वो इस दुनिया में आगे बढ़ सके, इसके लिए इतना मजबूत बने, इतना संस्कारी बने, इतना चरित्रवान बने, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर हमने जन्म दिया है तो वो अच्छा बने, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने सजा का भी सोचा। कई बार पेरेंट्स अपने सपनों को साकार करने के चक्कर में ध्यान देना कम कर देते हैं, वहीं से फिर गड़बड़ चालू होती है। तो हम सबको इन बच्चों से सीख लेना चाहिए, इन पेरेंट्स से सीख लेते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके समाज के लिए लाभकारी है, बल्कि आपका समाज मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा, इसलिए ये देश के लिए बहुत लाभकारी है।